Today we are going to study about organism and population. Under this chapter, today we are going to study about the abiotic factor. In last video, we studied that there are different abiotic factors that affect the organisms present in an ecosystem. Out of those abiotic factors, today we are going to study about the two abiotic factors, that are temperature and water. Now, we know that there are different environmental factors which influence the ecosystem. That is, these factors, they influence the kind of organisms present in the ecosystem and the functioning of the organisms. जो environment होता है उसके जो constituents हैं, constituents means the components of the environment which are forming the environment, like उसमें air हो जाती है, water, temperature, conditions, pressure वगैरह, हमारे आसपास कौन से तरह के animals या plants हैं, ये सब कुछ environment बना रहे हैं. तो वो environment किस तरह का है, that affects us, मतलब उसका हमारे ऊपर effect होता है directly और indirectly. किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है वो, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी, उसका फंक्शन कैसा होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है. सो जो फैक्टर्स इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स. इकोलॉजिकल क्यों बोला, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इकोलॉजी वो साइंस है जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज़म्स के रिलेशनशिप को और ऑर्गेनिज़म्स के आपस में जो रिलेशनशिप है उसे स्टडी करती है. सो इन्वायरमेंट रिलेटेड इस साइंस को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं. सो उसके फैक्टर्स भी सारे हो गए, दे आर द इकोलॉजिकल फैक्टर्स. नाउ दीज आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज़ एबायोटिक एंड सेकेंड इज़ बायोटिक. एबायोटिक means non living, bio means life. So जो factors non living है, like water, air, जो soil है, या फिर हमने जो बनाई हुई हैं चीज़ें human beings ने, ये सब non living things हैं. तो ये abiotic factors हैं. और दूसरी साइड पर biotic आते हैं जिनमें सारे living organisms होते हैं, like that of plants, animals, microorganisms. तो वो भी environment को influence करते हैं एक area के. Now firstly we'll discuss about the abiotic factors. इसके अंदर हम लोग there are four major abiotic factors which affect the ecosystem. One is temperature, then is water, then light and soil. Out of these four factors हम लोग आज जो पढ़ेंगे, we are going to study the effect of temperature and water. Now let's start with temperature. टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस. वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर, कि वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म कहाँ पाए जाएंगे. दैट इज़ डिटर्मिन बाय द टाइप ऑफ द टेम्परेचर कंडीशंस. नाउ फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, ग्लोब पर हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड देखी थी. उसमें हमने देखा था कि 0 to 20 degree N और 20 degree S पर ट्रॉपिकल पार्ट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ जो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज मेगाथर्म्स. मेगा मीन्स जो ज़्यादा है, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, थर्मल हीट. देन सेकेंड इज सब ट्रॉपिकल रीजन. सब ट्रॉपिकल रीजन हमने किया था 20 to 40 degree लैटिट्यूड पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है. रीज़न इज़ कि सनलाइट थोड़ी सी टिल्ट होके पहुँचती है वहाँ पे. सो इस तरह के यहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कॉल्ड एज मीज़ोथर्म्स. मीज़िक कंडीशन हो जाती है, मिड डे हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है. देन इज़ टेम्परेट, थर्ड आता है टेम्परेट रीजन, दैट इज़ फ्रॉम 40 degree N टू 60 degree N, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसी 40 degree S to 60 degree S. तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रोथर्म्स. देन लास्ट में हमने देखा था आर्कटिक रीजन, जो कि 60 degree से 80 degree नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. ये पोल्स के पास वाला एरिया है. आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं देन यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज हेकिस्टोथर्म्स. नाउ एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गई कि कौन से एरिया में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उनको हमने क्या नाम दिया है. नाउ देयर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस टू रेंज ऑफ टेम्परेचर. टॉलरेंस मीन्स वो ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर के चेंजेस को टॉलरेट कर सकता है. रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर को, उसे टॉलरेट कर सकता है. उसके बेस पर देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल. नाउ यूरीथर्मल कौन से हैं? यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन. वाइड मीन्स ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं जो उन्हें टॉलरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं. हमें पता है कि ये जो मैमल्स हैं, वो बर्ड्स हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. मीन्स कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं और जो भी टेम्परेचर कंडीशंस में चेंजेस आते हैं उसमें वो एडजस्ट कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई वो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैमल्स को आप देख सकते हैं, दे आर फाउंड इन पोलर एरियाज, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द नियर द इक्वेटर रीजन्स. तो ये बहुत सक्सेसफुल स्पीशीज़ है, इसीलिए है क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं. दूसरे आते हैं हमारे पास स्टीनोथर्मल. दे लिव विद इन द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो थोड़े से टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं. हम अपने घरों में देखते हैं जैसे लीजर्ट्स होती हैं, वो सर्दियों में हमें दिखाई नहीं देती, हमें इंसेक्ट्स दिखाई नहीं देते. तो रीज़न क्या है, वो सर्दियों में उस लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल, जो कि बहुत कम टेम्परेचर वेरिएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं. नाउ टेम्परेचर का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? वो उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है. ग्रोथ जल्दी होगी या धीरे धीरे होगी, दैट इज़ अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. उसके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है. हमें पता है मेटाबॉलिज्म के लिए इंजाइम्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में. सो वो इंजाइम्स जो होते हैं, दे वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव सीजन होते हैं और सेक्स रेशो कुछ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल या मेल क्या डेवलप होगा फ्रॉम एन एग, तो वो टेम्परेचर गवर्न्ड होता है. ये हम लोग आगे जाके जेनेटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के अंडर. उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी किया था कि मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हिकिस्कोथर्म्स, हम चार कैटेगरीज करनी थी. दैट मीन्स कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे टेम्परेचर कंडीशंस वाले एरिया में पाए जाते हैं. देन कलरेशन, हमें पता है कि अगर हमें गर्मी मिलती है तो हमारी स्किन का कलर डार्क होता है. सो जो गर्म एरियाज़ में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बॉडी कलर, और जो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं उनमें वेरिएशन हमें देखने को मिलती है. तो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. ऐसे ही उनका बिहेवियर, मतलब कि वो एक्टिव किस टाइम पर होते हैं, या उनकी वो भी टेम्परेचर गवर्नड है. लाइक इन डेजर्ट एरियाज़ तो उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो दिन में आराम करते हैं, अपने बरोज में रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है. और दूसरी चीज़ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है. जैसे हम देखते हैं कि जो पोलर एरियाज़ में एनिमल्स होते हैं वो बहुत मतलब उनका जो बॉडी साइज़ है वो बड़ा होता है, एंड दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फैट डेपोजिशन क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है. और उनकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं, लाइक उनके ईयर्स, टेल, ये सब छोटे होते हैं ताकि बॉडी हीट रिलीज ना हो एनवायरनमेंट में. सो ये सब चीज़ें टेम्परेचर गवर्न्ड हैं. अब इसमें एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ थर्मो पीरियोडिसिटी. नाउ थर्मो मीन्स हीट एंड पीरियोडिसिटी मीन्स टाइम पीरियड, कितनी देर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रह रहा है, या कह सकते हैं कि हम जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोपीरियोडिसिटी. अब इसमें हमें दो तरह की पीरियोडिसिटी मिलेगी, वन इज़ ड्यूअर्नल एंड सेकेंड इज़ सीजनल. ड्यूअर्नल मतलब डे, जैसे अभी हमने बात की थी डेजर्ट्स में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे जो लीजर्ट्स वगैरह वहाँ पर रहती हैं, सो दे और दे लिव इन देयर बरोज ड्यूरिंग द डे टाइम. तो उनमें जो टेम्परेचर कंडीशन है, दिन में हाई टेम्परेचर है और रात को लो टेम्परेचर है, एंड दे बिकम एक्टिव एट नाइट बिकॉज उस टाइम पे टेम्परेचर कंडीशंस ठीक होती हैं. देन इज सीजनल पीरियोडिसिटी, नाम से ही पता लग रहा है सीजनल,
मीन्स सीज़न के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस हम जानते हैं, जैसे गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, तो उसमें कितनी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होती है. सो इसे हम सीजनल पीरियोडिसिटी कहते हैं. दैट इज़ कौन सा सीज़न जो है वो उसके टेम्परेचर कंडीशंस के कारण ही बनता है. और इसी तरह से हर एक सीज़न में अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं. सो दैट इज़ अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंडीशंस जो उनको मिल रही हैं. नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर हमने आज करना है दैट इज वाटर. वी नो वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो इंजाइम्स हैं बॉडी के, इंजाइम्स हमारे बायो कैटलिस्ट, हमने प्लस वन में भी इनके बारे में पढ़ा था कि ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स हैं. मतलब इन्हें लाइटिक मीन्स ब्रेक करना, हाइड्रो मीन्स वाटर, फूड को ब्रेक करने के लिए इन इंजाइम्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है. सो वाटर इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर अस. दूसरा, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा, दैट इज़ हैविंग लॉट ऑफ वाटर इन इट. सो ब्लड हमारा फूड वेस्ट गैसेस वगैरह सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसका प्लाज्मा जो है दैट इज़ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. सो वो वाटर की वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है हमें. और अगर हम देखें तो जो डेजर्ट कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है. सो दे हैव अडेप्टेड themselves टू कंजर्व द वाटर. कंजर्व मीन्स उसको सेव करने के लिए उनकी कुछ अडेप्टेशंस हैं. वहाँ जो प्लांट्स हैं, हमें पता है कि प्लांट्स पानी जो है वो सॉइल से लेते हैं, लेकिन किस तरह के प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करेंगे और कैसा फॉरेस्ट डिवेलप होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल या स्नोफॉल, किसी भी फॉर्म में जब वाटर अर्थ पे आ रहा है तो वो किस तरह से, मतलब कितना ज़्यादा पानी अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, लाइक इन फॉर्म ऑफ वाटर और स्नो, तो वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर कि वहाँ पर फॉरेस्ट कैसा डिवेलप होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. टेरिस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लैंड पे ग्रो करते हैं. वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये तीन तरह के प्लांट्स होते हैं. वन आर हाइग्रोफाइट्स. हाइग्रोफाइट्स है यहाँ पे, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो हम आगे पढ़ेंगे. सेकेंड टाइप इज मीजोफाइट्स एंड थर्ड टाइप इज ज़ीरोफाइट्स. अब हाइग्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि वेट एरिया में रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पानी मिलता है उनको. रहते ये लैंड के ऊपर हैं, ग्रो ये लैंड के ऊपर करते हैं, बट दैट एरिया इज़ हैविंग मोर वाटर. और इनकी स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं, मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं लेकिन पतले पतले लीव्स होते हैं, और इनमें हाइड्राथोड्स होते हैं. हमने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है. हाइड्राथोड्स में से गटेशन होती है. गटेशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है वो लीफ टिप्स वगैरह से निकलता है बाहर, और जिन पोर्स से निकलता है दे आर कॉल्ड एज हाइड्राथोड्स, और दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन. गर्मी की वजह से नहीं होता है ये. एग्जाम्पल इज़ रेनिकुलस. सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट्स आर मीज़ोफाइट्स. मीज़ो वर्ड का मतलब होता है मिडल कंडीशन होती है, जहाँ यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है और बहुत कम पानी भी नहीं है, लेकिन मॉइस्ट हैबिटेट है, मतलब पानी अवेलेबल है, और यहाँ पर प्लांट्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ. और इन प्लांट्स में स्पाइंस या थॉर्न्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इस तरह की अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं है, पानी की कमी नहीं है, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. और इसमें मोस्टली जो क्रॉप प्लांट्स हैं, हम जो सीरियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ये सारे प्लांट्स जो हैं दे आर मोस्टली मीज़ोफाइट्स. देन थर्ड कैटेगरी इज ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो हैं दे आर द प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स, और ये डेजर्ट कंडीशन में मिलते हैं. डेजर्ट कौन सा एरिया होता है? जहाँ एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है. वो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एनुअल रेनफॉल जहाँ पर कम होती है, बहुत कम बारिश होती है. नॉट ओनली रेनफॉल, हम प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं, मतलब रेनफॉल या स्नोफॉल, तो वो बहुत कम होती है. उन एरियाज़ को हम लोग डेजर्ट कहते हैं. कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं. तो ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स रहते हैं दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी होती है. सो दीज प्लांट्स दे हैव डिफरेंट अडेप्टेशंस
टू सेव वाटर. इनकी एग्जाम्पल्स हैं अकेशिया, ओपंशिया. ओपंशिया जो कॉमनली कैक्टस हम लोग देखते हैं, दैट इज ओपंशिया. नो नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स. अब पिछली स्लाइड में हमने टर्म करी थी हाइग्रोफाइट्स, GRO. तो हाइड्रोफाइट्स कौन से थे, जो लैंड पे रहते हैं लेकिन उनको पानी काफ़ी अवेलेबल है. और हाइड्रोफाइट्स कौन से हैं, जो पानी में रहते हैं. इन प्लांट्स की अपनी कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे इनमें एरेनकाइमा है या एयर स्टोरिंग टिश्यू है. सो इनमें मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता बिकॉज वाटर करंट्स में अगर ये हार्ड स्टेम होगी इनकी या हार्ड पार्ट्स होंगे देन दे कैन ब्रेक. और रूट्स की इनकी पुअर डेवलपमेंट होती है बिकॉज दे डोंट नीड वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में रहते हैं सो दे डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर. और इनकी लीव्स जो हैं वो बहुत थिन होती हैं, छोटी होती हैं और डिसेक्टेड होती हैं, यानी कि बीच में से कटी हुई होती हैं लीव्स, बिल्कुल पतली पतली लीव्स होती हैं, ज़्यादा चौड़ी पत्ते नहीं होते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट्स लिविंग इन द वाटर. नाउ पानी में अब सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो ऑर्गेनिज़म्स जो वाटर में रहते हैं उनमें भी हम उनकी सॉल्ट टॉलरेंस के बेस पर भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक यूरी हेलिन, हेलाइन वर्ड जो है दैट मीन्स सॉल्ट. यूरी मीन्स जो ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब जिसकी रेंज ऑफ टॉलरेशन ज़्यादा है, जो कि वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है. पानी में नमक कम है या ज़्यादा है उसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. एग्जाम्पल इज सालमन. सेकेंड कैटेगरी इज स्टीनोहेलाइन. ये ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि सेलिनिटी को कम टॉलरेट करते हैं, मतलब अगर सॉल्ट का बैलेंस वाटर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल शार्क. तो ये एनिमल्स में हमने इनकी एग्जाम्पल्स की कि यूरीहेलाइन कौन से हैं जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट डिफरेंस को टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टीनोहेलाइन कौन से हैं जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं. नाउ अब इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को वहाँ रहने के लिए अडेप्ट करते हैं. सो इस तरह से ये फैक्टर्स वाटर और टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो वहाँ पर किस तरह का ऑर्गेनिज्म डिवेल्प होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाकी के दोनों फैक्टर्स जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स वो स्टडी करेंगे, एंड देन लेटर ऑन वील बी स्टडिंग अबाउट दी अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ दे सर्वाइव इन दिस हैबिटेट. थैंक यू.